नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट, जो नवीनतम पिछले 2018 में इसको दिया गया था। पहले क्या होता था कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था और 5 नंबर का रिक्त स्थान आता था, लेकिन आज कक्षा 10वीं के सभी विषय में लगभग 15 नंबर का, पूरा पूरा 15 नंबर का ही क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर में डिवाइड करते हुए 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का रिक्त स्थान और 5 नंबर का सही जोड़ी मिलान करने के आ रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले हम केवल 5 या 10 नंबर के लिए तैयार करते थे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि पूरे के पूरे जितने भी हम पढ़ने चाह रहे हैं, चाहे वो पूरे सब्जेक्ट का है, जैसे 6 सब्जेक्ट होता है, उन सभी में 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 75 नंबर पूरा होगा, है ना, 75 नंबर मिला करके, और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उन्हीं के हम देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बीजगणित है, पहला पाठ है बीजगणित, में 20 नंबर का आएगा, टोटल 20 नंबर का, जिसमें से एक एक नंबर का चार, एक एक नंबर का चार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर का और 2 नंबर का भी पूछा जाएगा, ये देखिए, और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का एक भी नहीं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 नंबर का। इसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति, वाणिज्य गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, गणितीय कथनों की जांच, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, सभी में देखिए आपका ये पूरा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कम से कम सभी अध्यायों में, सभी अध्यायों में एक एक नंबर का या दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन लगभग सभी अध्याय से पूछा जाएगा, सांख्यिकी को छोड़ करके। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बीजगणित से पूछा जाएगा, 2 निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यामिति से एक भी नहीं पूछा जाएगा, गणितीय कथनों के जांच से भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सांख्यिकी से 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब 3 नंबर का देखते हैं, तो बीजगणित से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और गणितीय कथनों की जांच से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आ जाइए, निर्देशांक ज्यामिति से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सांख्यिकी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और 5 नंबर वाले में देखेंगे केवल वाणिज्य गणित से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से केवल 5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर के ज़्यादा से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 6 अंक का केवल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो बीजगणित से पूछा जाएगा और एक होगा त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों कि 5, 4 और 6 नंबर का ज़्यादा अध्याय से नहीं पूछा जाएगा। तो मैं यह चाहता हूँ कि हम जितने भी हम अब तैयारी करेंगे, है ना, जितने भी हम तैयारी करने वाले हैं, वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इन्हीं अध्यायों को लेकर के, इन्हीं अध्यायों से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। इन्हीं अध्यायों से लेकर के जितना जितना भी क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया सरल 30% पूछा जाएगा, औसत क्वेश्चन जो है 50% और कठिन 20%। इसका मतलब ये होता है कि सरल से सरल केवल 30% पूछा जाएगा आपको, एकदम जो सभी लोग बना सकते हैं, औसत जो कुछ लोग बना सकते हैं, कुछ लोग लगभग, मतलब 90% लोग बना सकते हैं, 10% लोग लगभग नहीं बना पाते, 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा। कठिन क्वेश्चन जो बहुत टफ होता है, ऐसे क्वेश्चन केवल 20% पूछा जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, 50%, 20% और 30%। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे
कि इस ब्लू प्रिंट के आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं, इस ब्लू प्रिंट के आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारा तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ये देखिए, क्वेश्चन जो है लगभग इस प्रकार से पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ये बी नंबर में। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य कभी कभी जोड़ी मिलान भी दिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन दो दो नंबर का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे हम यहाँ पर आएंगे है ना, 3 नंबर के लिए, 3 नंबर से 4 नंबर के बाद जब देखते हैं तो सभी में क्या होता है, अथवा होता है। देख लीजिए, ये पूरे अथवा दिखाई दे रहा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में सभी में क्या है, अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसी के आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारा तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। और लगभग जो है, मैं तैयारी पूरे फरवरी माह में, इसी प्रकार से साइंस का भी है ना, पहले हम मैथ्स का देखेंगे तो उसके बाद हम साइंस का भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।